हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रियलमी 7 प्रो का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, तो देखते रहिए और इसका रिव्यू मैं बताऊंगा। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये उसी मोबाइल से मैं बना रहा हूँ, तो देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, रियलमी 7 प्रो का की फीचर्स मैं बता देता हूँ। सोनी 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, 16.3 सेंटीमीटर मतलब 6.4 इंच सुपर एमओएलईडी फुल स्क्रीन, 65 वाट सुपर डार्ट चार्ज, स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर, यही है इसका मेन फीचर्स। देखिए, ये है इंडियाज नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड। और आप इसमें देख सकते हो, टोटल 4450 mAh का बैटरी है। इसका MRP के बारे में बताना चाहूँगा। MRP इसमें 20,999 रुपीज़ लिखा है, लेकिन मुझे ये मिला है 19,999 में। बाकी कुछ कुछ साइट में इसका MRP से भी ज़्यादा रेट दिखा रहा था, जैसे 22,000 किसी में दिखा रहा था, किसी में 22,999 ऐसा करके दिखा रहा था। मुझे तो रियलमी का ओरिजिनल साइट से ही मैं लिया था, उस टाइम में कुछ डील चल रहा था, इसमें मुझे 19,999 में मिला है। तो ये लीजिए, बॉक्स खुल गया और इसके अंदर क्या क्या है अभी मैं दिखा देता हूँ। इसका केबल है और ये है पिन और ये है मेन चीज, रियलमी 7 प्रो फोन। देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसका 5x सेल्फी कैमरा है जो कि 32 मेगापिक्सल का है। और ये इसका साथ फ्री आया है एक बैक कवर, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। यह है 65 वाट सुपर डार्ट चार्ज। मैं इसको कुछ दिन चार्ज यूज करके देख रहा हूँ, ये आधा घंटा में फुल चार्ज हो जाता है, बहुत ही बढ़िया। यह है सिम इजेक्टर टूल। और ये फ़ोन का पैकिंग देखिए, बहुत ही बढ़िया। इसको अभी मैं ओपन करूँगा और इसका वेट काफ़ी कम लग रहा है, बहुत ही लाइट वेट है। ओपन करता हूँ पहले। और ये देखिए, ये है फ़ोन, इसका कलर है मिरर ब्लू, ग्लास फिनिश एकदम बढ़िया। और इसका सामने की स्क्रीन पे गोरिल्ला ग्लास है और ऊपर में स्क्रीन प्रोटेक्टर भी ऑलरेडी लगा हुआ है। इसको ऑन कर दिया अभी, देखिए। और दो तीन फीचर्स है इसका। एंड्रॉयड 10 है
और इसका डिस्प्ले इन फिंगरप्रिंट है, ये भी बहुत अच्छा फीचर है, मुझे तो अच्छा लगा। और इसमें सी टाइप केबल लगता है। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 92% है, फुल स्क्रीन, इसका एकदम फुल स्क्रीन आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसमें बाकी तो आपका पता ही होगा स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, इसका 6 GB रैम है और 128 GB रोम है। और एक वेरिएशन भी है जिसमें आपका 8 GB रैम और 256 GB रोम के हिसाब से भी आ रहा है, उसका थोड़ा महंगा है, 29,000 के आसपास है। 20,000 का बजट में ये फ़ोन अभी बेस्ट है बोल सकते हैं। वारंटी के लिए आप रियलमी का साइट से भी कर सकते हो, और QR कोड दे के रखा है उससे स्कैन करके भी आप इसका वारंटी अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बाइंग लिंक दे के रखा हो, किसी को लेना है तो उधर से ले सकते हैं। अभी फिंगरप्रिंट अनलॉक करके दिखाएंगे, देखिए बहुत ही कम टाइम में अनलॉक हो गया। लगभग 15 दिन कंटिन्यूअस यूज़ के बाद मैं ये रिव्यू बता रहा हूँ। ये फ़ोन आपका मॉडरेट और हाई यूज़ में 24 आवर्स कंटिन्यूअस चार्ज रहता है, उसके बाद चार्ज देना पड़ता है। और इसका कैमरा क्वालिटी ऑसम, बैटरी ऑसम, और बाकी कोई हैंगिंग का इशू नहीं है, हीटिंग का इशू नहीं है, ज़बरदस्त क्वालिटी है सब चीज़ में। गेम, छोटा मोटा गेम भी मैं खेला, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, कोई लैग नहीं है, तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस फोन का। तो कैसा लगा आज का वीडियो, अच्छे लगने से एक थाम दीजिएगा ऐसे करके, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और कमेंट बॉक्स में बताइए कुछ पूछना हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।